नमस्कार, मैं आशा पांडे ओझा उदयपुर राजस्थान से जन सरोकार मंच टोंक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। यात्रा अनवरत कार्यक्रम में आज हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुधाकर अधी। सर, बहुत बहुत नमस्कार, आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जी, देवेंद्र जी का मंच, ये जन सरोकार मंच टोंक पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर, इस आपका कार्यक्रम भी की अभिनंदन आशा जी। शुरुआत में ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सुधाकर अदीब बनने तक की यात्रा, सुधाकर से सुधाकर अदीब बनने तक की यात्रा आपकी कैसी रही, कुछ संक्षेप में अपने बारे में बताइए। देखिए आशा जी, हर व्यक्ति जन्म के बाद बहुत ही सामान्य ढंग से प्रारंभ करता है, और मेरा जन्म फैजाबाद में हुआ, जिसको आज अयोध्या बोलते हैं। वैसे फैजाबाद और अयोध्या दो नगर थे, हैं, जो कि 8 किलोमीटर की फासले पे है, लेकिन अब पूरा जनपद अयोध्या ही कहलाता है वर्तमान समय। तो फैजाबाद नगर में मेरा जन्म हुआ। मेरे नाना एक बहुत ही वरिष्ठ फौजदारी वकील थे, तो प्रारंभिक मेरा जो जीवन जन्म के बाद लगभग 6 वर्ष का था, अपने ननिहाल में बीता। और मेरे पिता का स्थान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश है, और मेरे पिता पितामह प्रपितामह, तो उस हिसाब से रहने वाला मैं सुल्तानपुर का हूँ, लेकिन जन्म के हिसाब से देखा जाए तो मैं अयोध्या या फैजाबाद का आप कह सकते हैं मेरा जन्म स्थान है। और जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है तो और जहाँ वो थोड़ा थोड़ा पला बढ़ा होता है, प्रारंभिक कुछ वर्ष उसके जीवन के बीतते हैं, तो वो सबसे स्वर्णिम यादें होती हैं उसकी, और देखा जाए तो वहीं का माना जाना चाहिए। तो उसके बाद में पिता हमारे केंद्रीय सेवा में सेवारत थे, उनका स्थानांतरण होता रहता। 6 वर्ष होने जाने के बाद फिर वो मुझे अपने साथ ले गए। मेरे पिता श्री चंद्र प्रकाश श्री अधीब चंद्र प्रकाश बहुत ही कर्मठ और कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति थे। संघर्षशील व्यक्ति। इको आ रही है इको आ रही है मेरी वॉइस में, तो और मेरी माता श्रीमती सरोज अदीब, वैसे तो विद्या विनोदनी पास थी, इको बहुत आई, लेकिन लेकिन वो हाई स्कूल के समकक्ष उस समय की एक डिग्री होती थी जो कि प्रयागराज से मिलती थी, और लेकिन वो मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ चलती रही काफी समय तक। तो मेरे पिता ने उसके बावजूद बहुत ही प्रेम के साथ जीवन निर्वाह किया, और मेरी माँ को पूरा सम्मान वो देते थे, इतना सम्मान देते थे कि वो मेरे लिए और मेरी बहन के लिए एक मिसाल, एक उदाहरण था। हमने वो संस्कार वहां से ग्रहण किए। आप देखिए कि बहुत इनकी बहुत ही सुयोग्य और बहुत ही मेहनती। बीच में रोकूंगी सर, जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा अगर फोन का वॉल्यूम कम हो तो बढ़ा लीजिए सर। मेरा फुल है एकदम, जी आवाज तो फुल है। तो उसके बाद में अब थोड़ा मैं लाउड बोलता हूं तब शायद कुछ क्लियर आए। तो मेरे पिता बाद में जब मैं 6 वर्ष का हो गया तो मुझे अपने साथ ले गए, और मेरी आगे की जो शिक्षा दीक्षा कक्षा 2 के बाद, जो फैजाबाद में कक्षा 2 तक पढ़ा था, फिर आगे की उनके साथ रहते हुए हुई, और बरेली में, मुरादाबाद में, शाहजहांपुर के पोया कस्बे में, और ये करते करते 7वां 8वां और उसके बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट मुरादाबाद से मैंने मेरा हुआ।
उसी दौरान जब मैं कक्षा 8 का छात्र था, तो मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वहां के प्रधानाध्यापक हुआ करते थे श्री सुरेश दत्त शर्मा पथिक, बहुत ही साहित्यिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे कवि श्रेष्ठ थे वे। और उस जमाने में आपको आशा जी मालूम ही है कि हम लोग के बचपन के समय में अंत्याक्षरी प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आज भी होते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से तब होते थे और उनका जो एक साहित्यिक स्वरूप होता था, जिस प्रकार से प्रसाद जी, दिनकर जी और पंत जी, महादेवी जी की रचनाएं बच्चे काव्य पाठ करते थे, और तब अंत्याक्षरी होती थी, अब तो फिल्मी अंत्याक्षरी भी होने लगी है। तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं कक्षा 7-8 में ही था, एक दिन प्रार्थना सभा में, कि क्या कोई बच्चा जब मतलब राष्ट्रगान हो गया उसके बाद, उन्होंने कहा और प्रार्थना हुई फिर राष्ट्रगान हुआ उसके बाद, उनका क्या कोई बच्चा कोई गीत सुनाएगा। और मैंने उन्हीं दिनों हरिश्चंद्र तारामती एक फिल्म देखी थी कुछ समय पहले, उसका इतना प्रभाव मेरे मन पे पड़ा, हालांकि मैं एक बालक ही था, आप समझ सकती हैं कि 7वीं 8वीं कक्षा का छात्र की क्या उम्र हो, लेकिन जो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का जो सत्यवादी स्वरूप था और जिस प्रकार से उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया और फिर एक डोम के यहाँ चाकरी की, और वो एक बड़ी मार्मिक कथा है, और दास बन के रहे और अपने पत्नी और बच्चे भी उनके सब दास हो गए, तो वो उसमें गीत था, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहे। तो एक लाइन में आपको सुनाता हूं, मैंने तब तो अपने बालकंठ से सुनाई थी, अब तो जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ये गीत मैंने जब गाया तो पूरा विद्यालय जो था एकदम जैसे कहते पिन ड्रॉप साइलेंस, और उसके बाद वो मुझे अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं में भेजने लगे। यहाँ से आप कह सकते हैं कि थोड़े से, हालांकि फिल्मी गीत था लेकिन कवि प्रदीप का लिखा हुआ था और साहित्यिक उसमें तत्व थे, फिर मैं जाने लगा, फिर जब प्रतियोगिताओं में जाने लगा अंत्याक्षरी की और विभिन्न अंतर विद्यालयी, तो पता चला कि आप एक से एक कवि श्रेष्ठ, एक से एक साहित्यकार हुए हैं और उन्होंने क्या क्या पंक्तियां लिखी हैं। मुझसे सीनियर छात्र वहां सुनाते थे, मैं भी एक आध गीत कोई सुना देता था, ये जगत भर की रोशनी के लिए तो सुनाता ही था। तो इस प्रकार से कविता के संस्कार मेरे जो पढ़े, मैं उसके लिए प्रणाम करता हूँ परम आदरणीय पथिक जी को, अभी भी वो भगवान की कृपा से अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, 90+ की उनकी उम्र है, भगवान करे कि वो शतायु हो और उससे भी ज्यादा वो स्वस्थ रहे, हम लोग को आशीर्वाद दें। और उन्हीं दिनों जब मैं हाई स्कूल के का छात्र बना, तो वहां पर मुरादाबाद में ही एक मेरे भाई के, मेरे एक बुआ के बेटे हैं, तो उनके राजेश जी के उनके मित्र थे, उन्होंने वो कहानियां लिखते थे, तो वो कहानियां सुनाते, और जो आपने देखा होगा जो कवि या लेखक होता है तो जब अपनी युवावस्था में होता है तो विशेष रूप से हम लोगों में से बहुतों की तो ऐसी आदत है कि अभी इस उम्र में भी हम चाहते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ है वो आप सुनिए या दोस्त दूसरे सुने, तो वो सुनाते थे और हम उनकी कहानियां सुनते थे। तो देख उनको सुनते सुनते फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक आध बार अपनी भी मैंने कोई लिखी टूटी फूटी, तो उन्होंने सुनी, कहा तुम तो अच्छा लिखते हो और हाई स्कूल में भी इंटर में ईश्वर की कृपा से अच्छा विद्यार्थी था, तो उनका लिखो। उसके बाद फिर मैंने कुछ कहानियां लिखी वो उन्होंने प्रकाशित कराई कुछ स्थानीय पत्रिकाओं में कुछ आसपास। इस तरह से कहानी लेखन में अतुल टंडन साहब, वो एटी जाकिर करके लिखते थे, वो नाम बदल बदल के पता नहीं अतुल पारिजात और क्या क्या कितने नाम उन्होंने बदले हुए,
वो अतुल टंडन साहब जो थे वो उस समय वो पढ़ रहे होंगे मेरे ख्याल से बीए फाइनल में या बीएससी फाइनल में थे या एमएससी डीएस में, और मैं हाई स्कूल का छात्र था, तो वहां से हाई स्कूल इंटर में कहानी इस तरह से चला है। और फिर बाद में बरेली कॉलेज में मैंने, जब पिताजी का स्थानांतरण हुआ तो वहाँ बरेली कॉलेज में मैंने बीए किया, एमए किया, और बीए में मेरे पास इतिहास और हिंदी विषय तो थे ही, और भी दो विषय थे, और मैंने बीए में और एमए में हिंदी विषयों में सब सर्वाधिक मार्क्स पाए, बहुत पारितोषिक वगैरह मिले। बाद में पीएचडी सर्विस में रहते हुए दौरान की हिंदी उपन्यासों में प्रशासन करके, जब मैं वहां पोस्ट हुआ, एसडीएम हुआ बरेली में, तो इस तरह से जीवन क्रम चला। मैं गाता भी था ऑर्केस्ट्रा में, जब स्टूडेंट था, विद्यार्थी था बीएमए का। गाता भी था, नहीं ऐसे कहिए, गाता भी हूँ। अब भी कभी कभी गा लेता हूँ तो किशोर कुमार के गाने और ये वो। तो 1-1.5 साल मैं बंबई भी गया, अब आपके सामने रेस्टोरेंट गाथन कर दे रहा हूँ। वैसे मैं आजकल आत्मकथा लिख रहा हूँ, मैंने सब कुछ लिखा हूँ, मैंने मुंबई किस लिए गए, सिंगर बनने गए? सिंगर और अभिनेता दोनों बनने गए, क्योंकि अच्छा, दोनों बनने किशोर, गए। क्योंकि किशोर कुमार हमारे आदर्श थे, तो किशोर कुमार जो थे वो अभिनेता भी थे और सिंगर भी थे, तो मैं जाता उनके गाने गाता था उस जमाने में। आप सोच सकते हैं, एक बीए और एमए का जो छात्र होता है, एकदम यंग उसकी जो आयु होती है, तो बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे उस समय खिलदड़ापन भी होता है। तो फिर 1.5 साल के लिए मेरे पिता से मैंने आज्ञा लिया, और मेरे पिता बहुत उदार, उन्होंने कहा भाई देखो तुम्हारी कंपटीशन की एज ना निकल जाए, तुम, मैं तो चाहता हूँ कि तुम डिप्टी कलेक्टर हो कम से कम, मेरी हार्दिक अभिलाषा है, लेकिन अब तुम जाना चाहते हो उस लाइन में तो चले जाओ, 1.5 साल किस्मत आजमा लो। और उन्होंने मुझे डेडलाइन दी कि आप दिसंबर 1977 तक, 31 दिसंबर तक वापस आ जाएंगे, या आप कुछ बन जाएंगे तो आप रुकना चाहें तो रुक। और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया 1.5 साल, और मैं गया। उसके बाद बहुत संघर्ष किया वहां, कई ड्रामा में था, या अरुण गोविल, ये सब जो राम आज बनते हैं, सबके साथ बहुत से मैंने प्लेज में भाग दिया। पता चला एक अंडर सेक्रेटरी प्ले था, तो उसमें दो हीरो थे, तो एक मैं था तो एक वो थे, मतलब बड़ी लंबी कहानी है। तो उसके बाद फिर मैं लौट के जब आया, तब फिर मैंने 2 साल 3 साल 3 साल मैंने बहुत संघर्ष किया, कंपटीशन दिए आईएएस में, पीसीएस, तो आईएएस में भी इंटरव्यू में आया, ये सब हुआ, लेकिन पीसीएस में फाइनली 2-3 अटेम्प्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया। पिता के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, मेरी माता की कृपा से, और फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से मेरा ये जीवन चला है, और फिर वो लंबा जीवन है, करीब 32-33 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की। उससे पहले भी मैं बैंक सेवा में आया, 6 महीने बैंक, स्टेट बैंक की नौकरी की, फिर पता चला पीसीएस एलाइड्स में आया, तो उसमें मैंने होमगार्ड्स की डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की नौकरी की, लेफ्ट राइट किया साल भर। उसके बाद फिर मैं डिप्टी कलेक्टरी में फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने फिर वो सेवा की, और अनेक जनपदों में सेवा का सौभाग्य किया, इंक्लूडिंग फैजाबाद, बरेली, जो मेरे जिससे मैं जुड़ा, बहुत निकट का जुड़ाव था। और ये भी बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि जहां आपका जन्म हुआ हो, हालांकि होता नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकारी नौकरी में ही होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, क्या है, पूछा जाता है, तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो पिता का स्थान होता है, हम लोग पितृवंशात्मक व्यवस्था में रहते हैं, तो सुल्तानपुर लिखा था, इसलिए फैजाबाद में पोस्टिंग हुई। 3-4 बार मेरी पोस्टिंग हुई, अलग 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 जाता था, लौट के जाता था, मुझे वहां सेवा करना पड़ा, था और भी तमाम जनपदों में उत्तर प्रदेश के कार्य किया। और इसी के साथ साथ जो मेरी साहित्यिक अभिरुचि थी पुरानी, जो तो बीच में बंद हो गई थी, तो सीतापुर में जब मैं पोस्ट हुआ हूँ, तो वहां पर मेरे एक पत्रकार मित्र जो मेरे बने, वहां बहुत अच्छे पद्मकांत शर्मा प्रभात जी, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं प्रभात जी, और बहुत संपादक भी हैं कलापुंज भारती के, लखनऊ के, तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि ये कुछ है तो प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन जब ये बात करता है कुछ
थोड़ा सा अलग हटके इसकी भाषा अभिव्यक्ति और व्यवहार। तो उन्होंने एक दिन उनके हाथ में हमारे घर आए तो देखा तो तीन संकलन जिल्द बंद कहीं रखे थे, तो उन्होंने उठाए तो देखा उसमें मेरी कहानियां छपी हुई है, मेरी कविताएं छपी हुई है। यानी ये क्या, हमने कहा भाई लिखते थे कभी जब तक स्टूडेंट थे, फिर वो बंद बंद हो गया, फिर कम्पिटिशन में मैंने आप करिए। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत प्रेरित किया कि अब आप दोबारा से फिर लिखें और आपने वो क्षमता है फला दिए, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर कहानियों का क्रम चला, कुछ गीतों का कविताओं का क्रम चला, फिर पीएचडी के लिए भी उन्होंने कहा पीएचडी करिए। फिर मैं जब बरेली में पोस्ट हुआ तो मेरे गुरुजी थे डॉक्टर विद्याधर त्रिपाठी, जिन्होंने मुझे बीए में पढ़ाया, बहुत मानते। तो जब मैंने उनसे भेंट की तो उन्होंने कहा कि अरे तुम करो, और तुम तो हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हो, करो पीएचडी। हमने कहा आप सर देखिए, अब आप मुझसे कहेंगे इस समय तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, इतना दौड़ भाग और इस तरह की मेरी प्रशासनिक जीवन है, तो मैं बहुत साहित्यिक वैसा विषय लेके जो बहुत, तो विद्यार्थी जीवन में तो मैं मान लीजिए आप कह लीजिए कि निष्णात था या थोड़ा बहुत अच्छा लिख लेता था, पढ़ लेता था, अब वैसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कह लें तुम अपने मन के विषय लो। फिर डॉक्टर महीप सिंह जी ने कभी एक विषय सुझाया था कि हिंदी कथा साहित्य में हिंदी कथा साहित्य में ये जो प्रशासनिक वातावरण का चित्र, तो फिर मैंने उस पर पीएचडी की उनके अंडर, और फिर 200 उपन्यास, 250 उपन्यास, हिंदी उपन्यासों में प्रशासन से करके पीएचडी हुई, तब डॉक्टरेट हुई सर्विस में के दौरान, और फिर मेरा उपन्यास लेखन का क्रम शुरू हुआ जो कि अब तक चला आ रहा है, और लगभग अब तो शायद 100 उपन्यास आ चुके हैं, और ज्यादातर कथा साहित्य में ही अब गति। और रिटायरमेंट मेरा हुआ 2015 में, निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पद से, वो एक अलग कहानी है। उससे मेरी जो साहित्यिक जो जो भी गति और गंभीर हुई, और गंभीर हुई, और मुझे बहुत उससे आधार मिला, उससे आधार मिला। ये है कुल मिलाकर मोटा मोटा। प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए लेखन कर लेना, उपन्यास लिख लेना, कहानियां लिख लेना बड़ी बात होती है, और इतना समय शायद नहीं निकल पाता, फिर भी आपने निकाला, तो ये साहित्य से आपका जुड़ाव, आपका लगाव और उसके प्रति जो निष्ठा रही है आपकी, उसी ने आपसे शायद ये सब करवा लिया है। उपन्यास भी आपने बहुत सारे लिखे हैं, जैसे अथ मूसक वाच, ये क्या चीज है, क्या चूहे के बारे में कुछ है? अथमूषक वाच मेरा सबसे पहला उपन्यास है जो सन 2000 में प्रकाशित हुआ था, और ये एक प्रकार से वर्णपरक उपन्यास है। एक चूहा है जो कि पता वो बराबर समाज में घूमता है और देखता है, और वो समाज में घूमता है और देखता है, और जो जो भी परिस्थितियां और गतिविधियां हैं जनजीवन की, जो मनुष्य की जो भागदौड़ और जो कुछ अच्छी बातें और बुरी बातें और भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएं, विसंगतियां, विद्रूप, उन सब को वो देखता है और उनको रेखांकित करता चलता है। तो ये एक प्रकार से प्रयोग परक उपन्यास था, और मेरा सौभाग्य है कि परम आदरणीय हिंदी के जो इतने बड़े विद्वान और साहित्यकार हुए हैं, श्रीलाल शुक्ल जी, जिनका राग दरबारी आपने हमने सबने पढ़ा है और बहुत सारी साहित्य की है, उन्होंने इसका लोकार्पण किया और वहीं से क्रम शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद एक के बाद एक उपन्यासों का सृजन होता आया। अब मैं ये कहता हूं कि आप प्रशासनिक जीवन में हो, आप डॉक्टर हो, आप अध्यापक हो, आप किसी भी कार्यक्षेत्र में, आप बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो साहित्य के संस्कार कहीं से आ गए, विद्यार्थी जीवन से आए हो या किसी इन्हीं विभूतियों के साथ आप उठे बैठे हो, अध्ययन किया हो आप, तो वो
कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, संस्कार आप में वो आने चाहिए। अच्छा रहा अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करना, ये तो माँ आप जानते हैं वीणा पाणी के आशीर्वाद से ही संभव होता है। आप कविता लिखिए, कहानी लिखिए, उपन्यास लिखिए, अगर उनकी कृपा है और आप सतत अध्ययन और अभ्यास रत हैं तो आप किसी भी कार्य को क्षेत्र में हो आप साहित्य सृजन कर सकते हैं। और जो हमारा मेरा तो अपना मानना है कि बहुत हड़बड़ी होती है, बहुत हड़बड़ी होती है जब हम युवा लेखक होते हैं। मैं कोई आज की पीढ़ी को नहीं कह रहा हूं, मैं भी कभी उस दौर से गुजरा हूं। तो शुरू शुरू में बड़ी एक जल्दीबाजी होती कि हम कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं और हम चाहते हैं बहुत जल्दी हम सफल हो जाएं और बहुत मशहूर हो जाएं और ऐसा हो जाए। अपना ही लिख रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं, लेकिन अपने से बड़े लेखकों को, साहित्यकारों को नहीं पढ़ रहे जो साहित्य रचा जा चुका है। हाँ सर, ये बिल्कुल, ये अब लेखन में हम सब आत्ममुक्त हैं और हमें हमारा लिखा ही उसी में उलझे हुए हैं, हमारे लिखे में उलझे हुए रहते हैं, उसी में टेक करना, उसी में लोगों को उलझाना और छोटी मोटी वाह वाही बटोर लेना, हम उसी में लगे हुए हैं। तो शायद कम पढ़ना कहीं न कहीं कम अच्छा लिखने को प्रेरित करता है। जितना अधिक पढ़ा जाए उतना अधिक लेखन भी आपका उत्कृष्ट होता है, लेकिन ये आज की पीढ़ी इस चीज में शायद विश्वास नहीं करती है या फिर रातों रात एक नेम फेम के चक्कर में उलझी पड़ी है, शायद ये विडंबना है। गलती से बचना चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी को ही नहीं कहता हूँ, देखिए आज की जो तो युवा पीढ़ी के पास समय का इतना अभाव है और इतनी तेज जिंदगी है। हम लोग में भी, हमारे समय में भी, जब हम युवा थे तो कुछ लोग वही की सरपट दौड़ते थे। मेरे कहते हैं कि खरगोश और कछुए का जो एक कहते हैं चलने का क्रम होता है, तो जो बहुत तेज दौड़ेंगे वो नहीं सफल हो पाते हैं और नहीं वो उतना अच्छा कर पाते हैं। एक मेरा एक गजल का एक शेर है कि दूरियां तय करो इतना हमेशा जहन में रखना, दूरियां तय करो इतना हमेशा जहन में रखना, बहुत रफ्तार वालों का सफर लंबा नहीं होता। मतलब यही है कि आप जितना दूसरों को पढ़ेंगे, अपने पूर्वजों को पढ़ेंगे, सत साहित्य पढ़ेंगे और वहां से आप जितना अनुभव अर्जित करेंगे, और आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव तो होते ही हैं, तो हमको हमारी जो भाषा और शैली है वो विकसित हो, हमारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण हमारा और अधिक प्रौढ़ होता है। तो इसके लिए हमें पूर्वज बड़े लेखकों को, साहित्यकारों को, कवियों को पढ़ना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं निश्चित रूप से वो बेहतर जी जुड़े हुए हैं, सुधा जी जुड़ी हुई है, वो निरंतर आपकी बातों को सहमति प्रदान कर रहे हैं आपकी बातों से और आपको नमस्कार भी बोल रहे हैं। मेरा स्वागत आपकी हर बात का समर्थन कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वाकई पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो जो भी हमारे श्रोता और दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनको प्यार भरा अभिवादन हम सभी का। और सर कहानी संग्रह भी आपके काफी आए उपन्यास के साथ साथ बहुत सारे, और पीयूष गौतम जी कुछ कह रहे हैं, शायद मैं सुधा आदेश जी भी हैं, सुधा आदेश जी का सोमेश मीणा जी भी हैं, जी 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 सरवन सुधा आदेश जी तो बहुत अच्छी लेखिका है और हमारी लखनऊ से भी बहुत अच्छी कथा था जी। स्वागत है उनका, भावभीन अभिनंदन है उनका। तो ये इसके साथ आपके चींटे के पर, हमारा क्षितिज, मम अरण्य, शाने तारीख, रंग रांची, कथा विराट, बर्फ और अंगारे तथा महापत, ये तो आपके उपन्यास हुए सर। ये रंग रांची काफी फेमस हुआ था, कई अरसे तक मैंने देखा था, इसके बारे में क्या है सर, संक्षिप्त में बताएंगे रंग रांची के बारे में? देखिए रंग रांची
संत मीराबाई, कवयित्री मीराबाई, जो कि मेड़ता से एक राज्य की राव दूदा की पौत्री थी और राजकुमार रतन सिंह जी की पुत्री थी, जिनका विवाह चित्तौड़ में हुआ था, मेवाड़ राज्य के राणा सांगा जिनके ससुर थे और उनके पांचवी पुत्र कुंवर भोजराज के पति थे। तो एक राजकुल की कन्या दूसरे राजकुल में ब्याही गई, कृष्णार्पिता थी, बहुत कृष्ण के प्रति समर्पित थी, बहुत ही किशोरी किशोर वैसे और बल्कि बालपन से आप कह सकते हैं। और वो जब जाती हैं और चित्तौड़गढ़ पहुंचती हैं और वहां इतने बड़े राजकुल, तो वहां के उस सामंती वातावरण में रहकर भी वो कृष्ण भक्ति भी करती हैं और उनके पति जो थे उनके प्रति भी पूरी तरह से उन्होंने उनको कृष्ण की छवि उनमें देखती थी। हालांकि उनके पति कुछ ही साल उनका साथ, 7 वर्ष का साथ रहा होगा और बहुत ही असमय मृत्यु होती थी। और मीरा जी ने शुरू से जो ऐसी परंपराएं थी, जो स्त्रियों के पैरों में बेड़ियां डालती थी या जो स्त्री को मतलब उचित मान सम्मान नहीं देती, उनका हमेशा उन्होंने विरोध किया। तो एक प्रकार से वो स्वभाव से विद्रोहिणी स्त्री थी। और लेकिन जैसे कहते हैं ना कि स्वतंत्र चेता स्त्री होते साथ होने के साथ साथ वो जो बाकी जो पारिवारिक मर्यादाएं हैं, अपने बड़ों के प्रति आदर है, सबका ध्यान रखना है, वो सारी चीजें थी, कृष्ण भक्ति भी थी। लेकिन जहां उनको लगता था कि ये चीज है वो सही नहीं है तो उसका वो विरोध करते। अब मैं उदाहरण के लिए कहूंगा कि सबसे पहले तो जब उनकी बिल्कुल युवा पति की कुंवर भोजराज की असामयिक मृत्यु होती है तो उस समय वैधव्य जैसी सामने आके खड़ा होता है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि ये सती हो। इस प्रकार की परंपरा उस जमाने हुआ करती जिसका वो सात्विक विरोध उन्होंने किया, मतलब मुखर रूप से। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो समय नहीं, अगर आपका यदि आपका की आज्ञा हो तो मैं एक पेज में से पढ़ के जिससे मीरा जी की मानसिकता उनकी मनस्थिति निकल के आती है रंग राशि से। आप म्यूट कर लीजिए। जी सर, जरूर जी, मैं बिल्कुल म्यूट कर लेती हूँ। तो जब मीरा जी को विवश किया जाता है राजकुल की स्त्रियों के द्वारा, उनकी सास भी है और भी लोग, और उधर पता चला कि शव, आवाज कम आ रही है आप बोलते हुए, थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी काफी कम आ रही है सर। जिस समय ये पता चलता है कि अब आ रही है आवाज, ठीक है, ये पता चलता है उधर शव जो है वो लेटा हुआ है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में जब उनसे अपेक्षा की जाती है शोकाकुल रनिवास के अंदर कि वो सती प्रथा के लिए वो अग्रसर, तो वो उसका विरोध करती है। बहुत कुछ बातें होती हैं, मैं संक्षेप में पढ़ने के लिए यहां से पढ़ता हूं। तो वो ये कहती हैं प्रतिवाद में, हीरा जी मैंने बहुत सुना है इस सती प्रथा के बारे में। मीरा अब निर्विकार भाव से किंतु दृढ़ शब्दों में आगे कह रही, ये मैं उपन्यास का ये अंश पढ़ू, मैं इस तथा कथित आदर्श परंपरा से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एक जवान विधवा को इस धरा का सबसे बड़ा बोझ और कुल कलंक समझा जाता है, उसे पुरुषों के इस सभ्य समाज में लोलुप दृष्टियों से बचा पाना बहुत कठिन माना जाता है। स्त्री का रूप सौंदर्य उसका सबसे बड़ा शत्रु और पतन का कारक समझा जाता है,
लेकिन पुरुषों की लंपटता अथवा मर्यादा ऐसे में कोई विचारणीय बात नहीं हो, पति विहीन स्त्री समाज के पतन का कारण बनेगी। उसका शरीर, उसका युवापन, उसकी देह की लोनाई का आकर्षण समाज को अनायास लुभाएगा, पुरुषों को पथभ्रष्ट करेगा। इसलिए उसे सती देवी की महिमा से मंडित कर जबरन अग्नि में भस्म कर दो। जबरन, क्या अनर्गल बोल रही है तू मीरा, कुछ होश हवास है तुझे? महारानी कुंवर बाई बोली। उत्तेजना के कारण सासू माँ का मुख लाल हो गया। हाँ सासू माँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, सोच विचार कर कह रही हूँ। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और ये दो पैराग्राफ छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें। फिर वो कहती हैं कि मीरा जी बोलती हैं, दूसरे जहां तक कुंवर साह के स्वर्गवासी होने का प्रश्न है, तो ये संसार मिथ्या है, क्षणभंगुर है और ये शरीर नाशवान है। जो यहां जन्मा है उसे यह देह त्याग कर एक दिन वहीं वापस जाना है जहां से वह पधारा है। आत्मा परमेश्वर का अंश है, यह उसके पास से इहलोक में आती है और जो कुछ कम उसे इस संसार में दायित्व रूप में कान्हा जी सौंपते हैं उन्हें पूरा कराकर उसे पुनः अपने पास बुला लेते। कुंवर भोजराज जिस लोक से आए थे आत्म स्वरूप में, वे वहां वापस लौट चुके हैं। बाहर मर्दाने में उनका नाशवान शरीर ही शेष है जो अब अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है। जितने अश्रु उनके प्रति समर्पित होने थे हो लिए। अब तीसरी बात यह, कहते कहते मीरा एकाएक चुप हो गई। उन्होंने एक हिचकी ली और अश्रुओं का रुंधा हुआ बांध अंतिम रूप से फूट चला। तीसरी बात क्या? अब अधीरता के साथ ऊदा माई चीखी। मीरा भीची भीची आवाज में गठरी बनी रोती नहीं, बोली भाभी साह तीसरी बात क्या? ऊदा ने मीरा को झकझोरा। इस पर मीरा बाई अचानक से सकना बंद कर चुप हो गई। उन्होंने अपने दोनों करों से अपने दोनों नेत्र पोछे और शून्य की ओर जैसे निहारती बोली, जब तक मेरे भौतिक पति मेरे भोज जीवित थे मैंने अपने मुरली मनोहर उनमें कोई अंतर नहीं किया, बल्कि अपने मुरली मनोहर को ही निरंतर इनमें निवास करता जाना और माना, क्योंकि हम सभी जब तक हमारा यह पंच भौतिक शरीर है तभी तक यहाँ हैं। हम सब में कान्हा जी ही निवास करते हैं। मेरा इनसे ब्याह हुआ, संसार का जो नियम है मैंने उसका निर्वाह किया। अब यह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गए, अब मैं भी मुक्त हूं। मैं तो पहले भी कान्हा जी की ही ब्याहता थी और आज भी उन्हीं की ब्याहता हूं और सदा रहूं, क्योंकि मुरली मनोहर अनंत लीला धाम अविनाशी अनश्वर गिरधर गोपाल ही वास्तविक अर्थों में मेरे पति। वह नित्य है, शाश्वत है, अजर अमर है। वही मेरे एकमात्र जीवनाधार है। मैं उन्हीं मोर मुकुटधारी की पत्नी। यह कहकर एक बार मीरा ने वहां स्थित स्त्री समूह पर एक समग्र दृष्टि डाली और अपने कथन में इतना और जोड़ा कि आप सब यहां मुझे विधवा बता रही हैं, यह बहुत बड़ी भूल है आप सबकी। ना ना, जिस स्त्री का पति स्वयं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हो भला कभी निराश्रिता हो सकती अथवा वैधव्य को प्राप्त हो सकती? मेरे सरताज तो वहां मेरे कक्ष में अकेले है। सुबह से मैंने उनकी कोई सुध-बुध नहीं ली है। निराश्रित तो वे हो जाते हैं मेरे बिना, मतलब मुरली मनोहर जिनकी वो आराधना करती थी उस विग्रह उस मूर्ति के को कह रही। अब चलती हूं, मुझे उनके पास जाना है। एकाएक यह कहकर खड़ी हो गई मीरा। खड़ी होकर जो ही एक पग चलने को हुई तो कमजोरी में तनिक लड़खड़ाई। तब तक ललिता और सुकन्या ने दौड़कर थाम लिया उनको और सहारा देकर उन्हें उनके कक्ष की दिशा में ले चली। सारी शोकाकुल स्त्रियां मीरा बाई की उस दीन दशा और साथ में अटपटे से आक्रामक व्यवहार को देखती सुनती असमंजस और सन्नाटे की स्थिति में पहुंच गई थी। तब किसी ने धीरे से कहा, बावली हो गई है बेचारी। और फिर सब की सब स्त्रियां जोर जोर से रो पड़ी। तो ये एक छोटा सा अंश मैंने
आपके सामने रखा रखा मीराबाई का, जिस तरह आपने अंश रखा है रंगराची से, तो मीराबाई की जीवटता, मीराबाई का एक जुनून, मीराबाई के स्त्री विमर्श की अगर बात करें तो मैं मानती हूँ कि मीराबाई सबसे पहली वो महिला रही होगी जिसने स्त्री विमर्श की बात ही नहीं कही है, बल्कि उसके लिए लड़ी है और उसके लिए आगे आई है और अपने हर गलत का विरोध किया है मीराबाई ने। और आपको ये बताऊं कि मैं मीराबाई के यहाँ, मेरा ननिहाल है मेरता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आप तो उदयपुर से भी तो हैं। अच्छा, मैं उनके ससुराल में बस गई आके, और है वो मेरे मेरा ननिहाल उनके वहां से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बचपन से ही एक लगाव और वो उनसे रहा है। उपन्यास के बारे में सुनकर बहुत अच्छी, विषय भी अच्छा लिया आपने, और उसका जो कथा में पिरोया है उसको सूत्र की आपने किया है, बहुत ही सटीक, बहुत सजग, ऐसे जीवंत सा चित्रण आपने, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आंखों के सामने कोई दृश्य चलायमान हो रहा है और हम मीराबाई को ही देख रहे हैं। बहुत ही सजीव चित्रण है आपका, तो इस उपन्यास को पढ़ने की जिज्ञासा बनाई है। बहुत 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 आभार सर उसका अंश पढ़ने के लिए, क्योंकि संभव नहीं है कि पूरा उपन्यास यहाँ पढ़ा जाए या पूरी जी, कहानी यहाँ पढ़ी जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन अंश आपने रखा जो काफी रोचक है और एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है इसे पढ़ने की। ज्योत्सना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ज्योत्सना जी संगलू है। कविताएं भी लिखते हैं निरंतर, तो कुछ सुधा आदेश जी कुछ लिखती है। सुधा करजी के हर उपन्यास का कथानक वैविध्यपूर्ण है तथा हमें हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है, कुछ इस तरह उनका कमेंट हमारे सामने आया था स्क्रीन पर अभी। तो सर आप कविताएं भी निरंतर लिख रहे हैं, कुछ आलेख भी लिखते हैं, शोध पत्र से लेके सब कुछ आपका निरंतर लेखन चल रहा है, तो कुछ कविताएं जरूर मैं आपसे, जब उपन्यास का एक अंश हम सुन चुके हैं तो एक दो कविताएं जरूर आपसे सुनना चाहेंगे सर। जी जरूर, मैं आपके सामने एक कुछ दोहे पढ़ के सुना, वैसे तो गीत भी है दोहे भी है। स्वागत है सर, दोहे तो मुझे वैसे भी बहुत प्रिय है, तो मेरे कुछ दोहे हैं चार दोहे आपके। सविता जी भी जुड़ी है, सविता मिश्रा जी भी कह रही है बहुत बढ़िया अंश, उन्होंने भी सुना है। स्वागत, आपका स्वागत है। कुछ मैं आपको चार पांच दोहे सुनाता हूँ और दोहे सुनाता हूँ तो सोचता हूँ कि खा के थोड़ा सा सुनाता हूँ। सड़क पार, सड़क पार, सड़क पार करना कठिन, भीड़ भरा संसार, मुट्ठी भर ही शेष है, सांसों का व्यापार। सड़क पार करना कठिन, भीड़ भरा संसार, मुट्ठी भर ही शेष है, सांसों का व्यापार। आंखों में दिन है, मन में है इतिहास, आंखों में दिन रैन है, मन में है इतिहास, झुकी कमर का ना करो, भूले से उपहार। आंखों में दिन रैन है, मन में है इतिहास, झुकी कमर का ना करो, भूले से उपहास। भीगे परले ना उड़े मन पंछी आकाश, तनिक धूप भी चाहिए और तनिक विश्वास। नहीं अभाव की वस्तु ये, जो देवे सो पाए, प्रेम पात्र घटता नहीं जितना बांटा जाए। ऊंच नीच और भेद सब, बहुत अच्छे मन के तुच्छ विचार,
ऊंच नीच और भेद सब मन के तुच्छ विचार, सारे प्राणी एक हैं नारायण के द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से थोड़ा बहुत बिल्कुल सारे प्राणी एक हैं, बहुत सही कहा। अगर प्राणी ये मान ले तो सर ये सारी लड़ाई, सारा विद्वेष, सारा द्वेष और ये सब खत्म हो जाए, लेकिन प्राणी यही तो नहीं मानता है कि हम सब एक ही नारायण के हैं और हम सब के भीतर एक ही नारायण है। सर मैं ये जानना चाहती थी कि आपने बहुत सारी साहित्यिक यात्राएं भी की है, बहुत सारी साहित्यिक यात्राएं, तो क्या साहित्य लेखन में वो साहित्यिक यात्राओं का भी कुछ योगदान रहा कि आगे नया कुछ लिखने को उन यात्राओं ने प्रेरित किया हो? देखिए वैसे भी मेरा तो जितना भी उपन्यास लेखन है विशेष रूप से, और ऐतिहासिक उपन्यास मेरे जो भी हैं, चाहे वो मीराबाई पे हो, चाहे शेरशाह सूरी पे हो, चाहे सरदार पटेल पे हो, चाहे आदि शंकराचार्य महाराज पे हो, चाहे वो कश्मीर की त्रासदी जो समस्या है, खासतौर से जो महानिर्वासन हुआ कश्मीरी पंडित, तो जो भी हमारी यात्राएं होती ऐसे लेखन में वो बहुत उपयोगी साबित होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए रंगराची कोई ले ले, तो चित्तौड़गढ़ का भ्रमण, मेड़ता जाके वहां का मीरा जी का स्मारक, और वहां पे राव दूदा का महल के खंडहर, और हम बहुत सारी जगह चित्तौड़गढ़ जाइए तो वहां महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी, और चित्तौड़गढ़ के बाद में कह रहा हूँ हल्दी घाटी जाइए तो महाराणा प्रताप, मीरा जी का जो ससुराल था चित्तौड़ में था, तो वहां जो कुंभा महल बना है, मीरा जी का महल है, जो दूसरे जो मीरा जी का मंदिर है, कुंभश्याम का मंदिर है, तो वहां का जो स्मारक बहुत बड़ा विजय स्तंभ है, स्मारक है, तो ये सब जब आप जगहों पे घूमते हैं, और मैं जब विषय केंद्रित कोई काम करता हूं तो जरूर उन जगहों पर जाना मैं समझता हूं कि एक अनिवार्य हिस्सा है। केवल आप ग्रंथों को पढ़ लें, अपने पूर्व साहित्यकारों को पढ़ लें, इतिहास ग्रंथों को पढ़ लें, साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ लें, और उन जगहों को अगर आप विजिट नहीं करते, नहीं जाते हैं, तो वो जो ऑथेंटिसिटी होती है आपके लेखन में वो नहीं आ पाती। उदाहरण के लिए मैं एक लेखक के रूप में जो अपने अनुभव शेयर करता हूँ कि आप चित्तौड़ तो आपने देखा ही होगा, आपके तो राजस्थान कुल अपना स्थान है, तो चित्तौड़ में गए, मान लीजिए आप कुंभश्याम मंदिर, कुंभा महल से मान लीजिए आप मीराबाई का जो महल है वहां जाते, मीरा महल, अब जो भी स्थिति है वो मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जैसे भी हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जैसे भी रख रखाव कर रहा है। सर अभी इन दिनों बहुत सुधार दिया गया, बहुत कायाकल्प कर दिया गया उसका, बहुत जी, मैं दो बार गया हूँ और निरंतर बुखार होता ही रहता है, तो जब आप जैसे मैं उपन्यास लिखने में कैसे सहायता होती है कि जैसे अब हम चल के जा रहे हैं कुंभा महल से और मीरा महल तक जा रहे हैं, या वहां से निकल के बगिया में होते हुए फिर आगे घूम के हम मीरा जी के मंदिर में जब प्रवेश कर रहे हैं, या उधर जा रहे हैं जहाँ राणा कुंभा का वो विजय स्तंभ बना हुआ है बड़ा सा, उसमें सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं उतर रहे थे, तो हमको वहां का वातावरण एकदम स्पष्ट हो जाता है, वहां का आसमान, वहां की मिट्टी, वहां की प्राचीरें, वहां की खंगूरे, वहां के भवन, और अगर हम मान लीजिए मीरा जी अपनी सखी सहेलियों के साथ में चली जा रही है बतबतियाती हुई, तो यहाँ से वहां तक पहुंचने में कितने डायलॉग्स आप लिख सकते हैं, कितनी बात बात पूरी होते होते आप यहाँ से वहां तक पहुंचेंगे, मतलब ये बहुत सारे चीज एक स्पेसिंग भी दिमाग में क्लियर होती और वातावरण तो होता है। तो मैं जो गया तो मैं जो गया तो मैंने मैंने वृंदावन वृंदावन जहाँ वो रुका थे 3 साल, तो वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है वो गया,
जैसे मान लीजिए मैं मुझे मेरा जाना हुआ साहित्यिक यात्रा की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी संस्थान की तरफ से गया था, तो मैं निदेशक था उस समय, तो वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज के अंदर वहाँ पर सेमिनार थे 2 दिवसीय, तो उसके बाद हम लोग गए, सोमनाथ भी गए, द्वारका भी गए, बेट द्वारका भी गए, कई जगह घूमे। तो वहाँ फिर वो मंदिर वहाँ भी प्रवेश किया, द्वारकाधीश के मंदिर में रणछोड़दास जी के जो महाराज हैं, तो कृष्ण का जो रणछोड़ स्वरूप है, तो जहाँ कहते हैं मीरा जी विग्रह में समा गई, वो सब जल स्थान देखा। तो बहुत इन यात्राओं से तो बहुत कुछ मिलता है, ग्रंथों से जितना मिलता है उससे कम उन यात्राओं से नहीं मिलता, क्योंकि वो यात्राएं ही आपके लेखन को एक प्रकार से एक स्वाभाविक स्वरूप प्रदान करती हैं, और पढ़ने में पाठकों को ऐसा फिर लगेगा कि हाँ ये जो लेखक वर्णन कर रहा है तो ऐसा पूरा पूरा वातावरण जैसे कोई पिक्चर उसके सामने है। आप घर बैठे लिख लीजिए कमरे में अपने बंद अपने आप को करके, तो उसमें वो रस वो कथा का जो एक आनंद है वो नहीं आता। जी, यात्राएं बहुत कथा की सच्चाई और किरदार के अंदर समावेश हो जाना, ये यात्राओं से शायद संभव होता है। जब आप चित्तौड़ के किले में आपने घूमा और आपको पता है कि कितने कदम पर कौन सा महल, कहाँ पे कुंभा महल, कहाँ पे मीराबाई का मंदिर, कहाँ पे, तो उस वो आपके डायलॉग्स में या आप जो भी उस कहानी का एक पृष्ठ तैयार करते हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, एक रूप तैयार करते हैं, खाका खींचते हैं, वो हूबहू उसमें उतर के आता है। जब आपको पढ़ने के बाद कोई पाठक वहां जाता है तो अनायास आपकी कहानी, आपका उपन्यास या आपका वो उपन्यास का या कहानी का वो अंश उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। तो बिल्कुल, एक हमने भी जब पूरे हमारे ग्रंथ पढ़े और फिर उसके बाद हम इन मंदिरों को देखते हैं या हमारी उन पूर्वजों की जगहों को देखते हैं तो हमारे सामने भी वो दृश्य बिल्कुल चलायमान हो जाते हैं। ऐसे लगते हैं कि वो जीवंत हो गए, साकार हो गए हैं और हम उस कालखंड में पहुंच जाते हैं, जिस कालखंड की वो बात होती है उस कालखंड के भीतर हम पहुंचे जाते हैं। तो ये एक सच्चे लेखक की यही एक निशानी मैं मानती हूँ कि जब भी वो कुछ ऐसा ऐतिहासिक लिखे तो निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक जगह पर जाके लिखे ताकि उसमें सच्चाई उभर कर आए, उसमें एक जुड़ाव और लगाव और एक आत्मीयता का अंश भी दिखाई दे। तो बहुत सही बात कही आपने सर कि जिस तरह आप सफर करते हैं और यात्रा करते हैं और उन जगहों की यात्रा करते हैं जिसके बारे में लिखते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके कथ्य को और पुष्ट करती है और मजबूत बना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने आशा जी, और जो स्थानीय अनुभव होता है व्यक्ति का, एक लेखक का, और वो जिस परिवेश को वो नहीं जानता है उसको भी वो जब जानने का प्रयास करता है, उस जगहों पे चला जाता है, तो जो चरित्र जो पात्र जिनको जिनका वो लेकर लिखने जा रहा है या लिख रहा है, तो उसमें एक जीवंतता आ जाती है और बहुत ही व्यावहारिक लगता है पढ़ने वाले को भी, पाठक को भी, और लिखने की बहुत ही एक बहुत सुविधा उससे हो जाती है, और अपने आप कथा जो है वो एक रूपाकार ग्रहण करने लगती है, और वो निश्चित रूप से आपके लेखन को ज्यादा कहते हैं एक प्रकार से उसे यथार्थ के निकट लेके आती है, क्योंकि मात्र कल्पना के आधार पर बैठे बैठे कुछ सृजित कर देना, तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ, खास तौर से जो ऐतिहासिक या चरित्र प्रधान जो भी लेखन है उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है। फिक्शन में आप कुछ भी लिखिए, जैसे कहते हैं जी, फिक्शन में कुछ भी लिखिए लेकिन जब आप ऐतिहासिक, बिल्कुल अच्छा, कई लोगों ने सर मैंने पढ़ा है ऐतिहासिक जो लेखन किया उसके साथ इतनी छेड़छाड़ की, इतना फिक्शन कर दिया, इस तरह से इतना काल्पनिक, क्योंकि न तो उन जगहों पे जाने की उन्होंने जहमत उठाई और न सच्चाई क्या, ये कहीं और पढ़ने की या कहीं से कंपैरिजन करने की, तुलना करने की भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई, तो सच्चाई से उनका लेखन कोशों दूर रह जाता है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वार्ता करके, लेकिन हम साथ में कुछ कविताएं जरूर सुनना चाहेंगे। दोहे तो आपसे सुन चुके हैं, उपन्यास का अंश भी सुन चुके हैं, शायद कोई छोटी सी कहानी भी हो जाए इस बीच, लेकिन एक दो कविताएं जरूर सर
हमारे श्रोता आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे पाठक आपसे सुनना चाहेंगे। कविताएं तो आशा पांडे जी आपकी कविताएं हमें सुननी है। अब मैं कविताएं सुनने सुनाने लगूंगा तो मेरी जो जो कथाक्रम चल रहा है वो व्यतिक्रम हो जाएगा। अच्छा, कविताएं तो मैं बहुत कम लिखता हूं। अगर संभव हो तो एक छोटी सी कहानी जरूर पढ़ दीजिएगा, अगर कोई रख दीजिए, अगर आप आपके हाँ, कोई बहुत मन के करीब कोई कहानी हो, आपने बहुत सारा लिखा है। मैं एक कहानी पढ़ता हूँ और जब तीन चार पेज की है, लेकिन अगर आपको लगेगा कि समय बीत रहा है तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं बीच में से उसको बढ़ा के और कंप्लीट कर दूंगा। दस मिनट है सर हमारे पास, अभी 10 मिनट है, ठीक है? तो अगर एक दो मिनट में ऊपर नीचे में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी कहानी जरूर दस मिनट में हो जाएंगे। स्वागत है। अभी एक हम लोग फेसबुक पे बहुत कुछ सोशल मीडिया पे लिखते पढ़ते रहते हैं, तो एक टिप्पणी अभी हुई थी किसी के विचार पे कि देखिए सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी इन्हीं दो प्रजातियों का होता है तो एक तो हिंदी का लेखक है और एक भारतीय किसान। हालांकि भारतीय किसान की व्यथा हमसे ज्यादा दारुण है क्योंकि उसको दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, एक तो जो शोषण बीच में बिचौलिए और दूसरे लोग करते हैं, दूसरे उसको अपने उपज का सही मूल्य भी नहीं मिलता है, और दूसरा जो प्रकृति उसके साथ खिलवाड़ करती है, उसकी परीक्षा लेती है। तो ग्रामीण जीवन में खासतौर से कृषकों का जो जीवन कितना वैविध्यपूर्ण भी होता है लेकिन साथ ही साथ कितना त्रासद भी होता है, तो हर लेखक अपने ढंग से उसको वर्णन करता आया। मैंने भी एक कथा ग्रामीण परिवेश के लिए, इसका शीर्षक है उजाले अंधेरे। मैं पढ़ता हूं अविकल। गंगू गाय को रास्ते में सुबह सुबह कालू कुत्ता मिल गया। कुत्ता अपने आवारा दोस्तों के झुंड से निकलकर अचानक झटके से गाय के सामने आ गया था। राह चलती गाय कुछ पल को ठिठक गई। उसने अपने मस्तक पर उगे सींगों के साथ कुत्ते को देखा। कुत्ता भी गाय को देखकर थम गया। दोनों के कान दो बार हिले। गाय कुत्ते से और कुत्ता गाय से मुखातिब थे। आंखों ही आंखों में दोनों जैसे कुछ कह रहे थे। गाय ने कान हिलाए, कुत्ते ने कान हिलाए। गाय ने कुत्ते से कहा, संभल जाओ तो ठीक, नहीं तो करते रहना फिर हाय हाय। दोनों एक दूसरे से डर गए और फिर दोनों ने समझदारी के साथ अपना अपना रास्ता पकड़ा। गंगू गाय जाकर अपने मालिक जोखन राम के सहन में किनारे स्थापित अपनी नांद में पूर्वाभ्यास से मुंह मारने लगी। जोखन ने एक झौली में थोड़ा भूसा और भर के गंगू की नांद में गिरा दिया। तत्पश्चात वह बाल्टी लेकर गंगू का दूध दुहने लगा। गाय गोबर देने लगी जिसे जोखन की पत्नी सुगना कंडों की खातिर बटोरने लगी। अरे बिठुआ को तो उठा दे, स्कूल जाना है। काहे, अभी दो दिन तो उल्टी दस्त करके कल ही ठीक भया है, काफिर बीमार होए के खातिर वो काहे स्कूल भेजबो। सुगना ने कहा, हाँ स्कूल जाना जरूरी है, वरना जिंदगी भर ही गांव मां वो हमरी तरह खटता रही है। अब कौनो डर नहीं, शहर से बीएसए साहब कल आए रहे मिड डे मील की जांच करने। स्कूल में सबकी चुरकी खड़ी हुई गई है, अब सब व्यवस्था ठीक हुई गई है। सुगना ने पति की बात सुनकर अपना माथा ठोंका और वह पुत्र को जगाने के वास्ते कोठरी में घुस गई। उधर कालू कुत्ते ने प्रधान जी के घर का रुख किया, जहां से उसे सुबह सुबह बासी रोटी के दो कौर खाने को मिल जाया करते थे। ग्राम प्रधान गुरुबचन सिंह ने अपने चबूतरे पर अंगूठे से मुंह ढके लेटे थे। गांव में मक्खियों के सुबह सवेरे के आक्रमण का यही सबसे कारगर उपाय था। उनका हरवाहा जोखन राम सुबह सुबह आकर उनके पैर दबा रहा था। भीतर ठकुराइन अर्थात उनकी औरत ने शहर से आए गैस सिलेंडर के चूल्हे पर चाय चढ़ा दी थी। चाय की पत्तियों की भीनी भीनी खुशबू खदबदाते खोलते पानी की भाप में घुलकर घर संसार में एक मादक वातावरण सृजन कर रही थी। ठकुराइन बोलचाल में उतनी ही कड़क थी जितना कि प्रधान जी अपनी बोली बारी में नरम। असल विरोधाभास यह था कि यद्यपि ठकुराइन खरा खरा कहने की आदी थी तथापि दिल की नरम थी।
जबकि प्रधान जी जो कहते वह फूल की भांति कोमल होता था, परंतु जो करते थे वह उसके विपरीत अंगार की भांति कष्टकारी। इसलिए ठकुराइन की बात का गांव में कोई बुरा नहीं मानता था, जबकि प्रधान जी के जल्दी कोई मुंह नहीं लगना चाहता था। जोखन का घर प्रधान जी के घर से थोड़ी दूर पर था। जोखन को सुबह सुबह प्रधान जी के घर जाते देख गंगू गाय सोच रही थी, देखते ही देखते इस जोखन राम की जिंदगी में कितना फर्क आ गया। 5 साल से तो मैं ही इसे देख रही हूं। जब मैं छोटी बछिया थी और अपनी गऊ मां का दूध पीती थी, तब यह जोखनवा ज्यादा खुशहाल था। तब इसके पास 2 भैंसे भी थी। भैंसों का दूध पानी मिलाकर ये शहर में बेच आता था और गऊ माता का दूध घर में स्वयं सेवन करता था। मगर फिर पता नहीं इस बेवकूफ को क्या सूझी, एक दिन ये जाकर सरकारी कर्जा ले आया, उस पैसे से मुर्गियां खरीदी और मुर्गी पालन का व्यवसाय करने लगा। कुछ दिन तो धंधा अच्छा चला, मुर्गी अंडा बेचकर यह मुनाफा कमाने लगा। किंतु तभी एक दिन एकाएक इसे दुर्भाग्य ने आ घेरा। इसकी मुर्गियों को कोई भयानक बीमारी लग गई, इसकी मुर्गियां एक एक करके मरने लगी। फिर कुछ ही दिन बाद कुछ सरकारी लोग आए, उन्होंने देखते ही देखते इसकी सारी मुर्गियां मार डाली। जोखनवा उनके सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। बोले, मुर्गियों को बर्ड फ्लू हो गया है, ये एक किस्म की जानलेवा महामारी है। जो इन मुर्गियों को खाएगा वह खुद भी मरेगा, दूसरे आदमियों में भी छींक छींक के महामारी फैलाकर उन्हें भी मार डालेगा। इससे पहले सब मरे, पृथ्वी पर नरक फैले, तेरी मुर्गियों को हम स्वर्ग पहुंचाई देते हैं। वे जल्लाद किस्म के आदमी मुंह पर ढाटा कसे और हाथों में दस्ताने पहने एक एक कर सारी मुर्गियों की गर्दनें मड़ोड़ते चले गए। फिर उन्होंने कत्ल की गई मुर्गियों का को एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। उस दिन जोखन की किस्मत की ढलान का प्रारंभिक दिन साबित हुआ। उसके बाद कर्ज की अदायगी और आमदनी में गिरावट को लेकर घर में भैंसों और गऊ मैया के लिए भूसा खली चोकर तक के लाले पड़ने लगे। भैंसों की खुराक घटी तो उसका दूध भी घट गया। एक भैंस को खुरपका हो गया, फिर उसे एक सांप ने काट खाया, दूसरी भैंस एक दिन कसाई ले गया। मुझे बड़ा डर लगा कि यह नामुराद आदमी किसी दिन मेरी गऊ माँ को भी किसी कसाई के हाथ में बेच दे। पर इसकी औरत सुगना गाय को गऊ माता कहती थी और सुबह शाम उसकी बड़ी सेवा करती थी। तीज त्योहार वह उसकी और मेरी आरती उतारती और हमारे मस्तक पर टीका लगाती थी। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे मैं जवान होती गई और मेरी गऊ माँ बूढ़ी। सर्दियों के दिन थे, अपनी गौ माँ को एक दिन मैंने अचानक घर के आंगन से गायब पाया। मैं बहुत परेशान हुई, कई दिन तक कुछ पता नहीं चला। एक दिन पड़ोस के 2 लड़के जोखन राम के घर के सामने से गुजरे, उनकी मुझ पर दृष्टि पड़ी। एक लड़का दूसरे से बोला, देख इसे तो, अब ये बछिया जवान हो गई है, इसके ब्याने के दिन आ गए हैं। सुना है जोखन राम ने पहली वाली गाय को बाटा शू कंपनी को बेच दिया है। जय हो गौ माता की। उधर आंगन में जोखन राम का बेटा अपनी पाठशाला का पहला सबक कॉपी में लिख रहा था, अंग्रेजी में पढ़ाया जाने वाला निबंध काउ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल। इधर प्रधान जी के दरवाजे पर दोनों हाथ सामने रखकर जबान निकाले कालू कुत्ता प्रधान जी और उनके हरवाहे जोखन राम के मध्य चल रहे संवाद को बहुत तन्मय होकर सुन रहा था और कुछ कुछ उसे समझने की चेष्टा भी कर रहा था। जोखन राम कह रहा था कि तहसील से आने वाला अमीन इन दिनों उसे बहुत परेशान कर रहा है बैंक के कर्जे की वसूली के लिए, तनिक उसकी मदद कर दे प्रधान जी। प्रधान जी कह रहे थे, पहले जोखन उनके खेतों में रात में 2 दिन जाकर पानी लगा दे, क्योंकि बिजली इन दिनों गांव में रात में ही कुछ घंटे आती है और तभी ट्यूबवेल चलना संभव हो पाता है। ठीक उसी समय प्रधान जी की ठकुराइन बड़बड़ करती घर के बाहर निकली और उन्होंने रात में खाई गई मुर्गे की हड्डियां घूरे पर फेंक दी। कुत्ता कालू उधर झपटा, उसने पहले इससे पहले कि गांव के दूसरे कुत्तों को खबर लगती उसने हड्डियों को जल्दी जल्दी ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। खा पी कर कालू को नींद आ गई और वो सो गया। बीच बीच में उसकी आंखें खुलती तो गांव में ही हो रही चलगदमी को देख लेता, किसी अजनबी को देखता तो 2 मिनट भुक भुक करता और फिर मुंह उधर फेर कर सो जाता। सारा दिन यूं ही गुजर गया। शाम के समय कालू इधर उधर गांव की गलियों में आवारा गर्दी करके पुनः प्रधान जी के दरवाजे पर दुम हिलाता लौट आया। दुम हिलाना, खाना, सोना और भौंकना, बस यही कालू कुत्ते के गिने चुने काम थे। आधी रात का वक्त था, अचानक कालू की आंख खुल गई। बड़ी जोर की पेशाब लगी थी। प्रधान जी के उसारे से बाहर आया टांग तिरछी कर लघुशंका से निवृत्त होते हुए उसने देखा कुछ नील गायें थोड़ी दूर पर रामलाल किसान का खेत चर रही थी। उसने वहीं से भौंक लगाई, नील गायों पर कोई असर नहीं हुआ। फिर वह लगातार भौंकता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उसी समय आकाश से एक उल्कापात हुआ, एक तेज रोशनी का पुंज धरती की ओर लपका और ठीक उसी जगह जाकर गिरा जहां कुछ दूर वह नील गायें फसल चट कर रही।
एक धमाके की आवाज हुई, नील गायें अचानक विभिन्न दिशाओं में छितर कर भागी, फिर वहां पूर्ण अंधकार छा गया। कालू डर कर धरती पर बैठ गया, उसकी दुम उसकी टांगों की दिशा में पीछे मुड़ी हुई थी और वह स्वयं आंखें मूंदे सिर धरती की ओर झुकाए किसी अगली अनहोनी की प्रतीक्षा में बैठा था। एक मिनट बीता, दो मिनट बीता, भरभरा कर भाग चली नील गायों की पदचापे, अर्थात उनके खुरों की आवाजें बहुत दूर चली गईं। गांव की बस्ती के दूसरे कुत्ते अचानक रोने लगे, मुंह उठाकर सियारों की भांति मनहूस रोदन। उनकी देखा देखी दूरस्थ नदी के किनारे के मांझे में छिपे सियार भी तब वाकई रोने लगे, हुआ हुआ हुआ। फिर गाँव के कुत्ते मानो एक दूसरे पर भौंकते हुए गाँव से निकलकर खेतों की ओर दौड़ की ओर आने लगे। वह भी कुतूहल के साथ उठकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते गांव के सभी आवारा कुत्तों की एक जैसे पूरी फौज ही उमड़ पड़ी। पीछे पीछे ग्राम प्रधान जी एक हाथ में राइफल पकड़े और दूसरे हाथ में एक मोटी टार्च लिए इसी ओर चले आते दिखे। उनके पीछे हाथों में लालटेने उठाए और लाठिया पकड़े 8-10 गांव वाले भी थे। पढ़े लिखे प्रधान जी कह रहे थे, भारत के किसानों के लिए नील गायों का आतंक आज वैसा ही है जैसा किसी जमाने में हमलावर हूड़ों अथवा पिंडारियों का हुआ करता था। ये जंगली गायें जब देखो जिस किसी किसान के खेत में घुस जाती हैं, फसल की फसल साफ कर डालती हैं, किसान को कराने का अवसर भी प्रदान नहीं करती। आला हकीमों से कहो तो उनके पास इसका कोई इलाज नहीं। किसान खुद चाहे तो लाइसेंसी बंदूक से खुद जोखिम उठाकर इनका शिकार करे, भले ही इनकी बंदूक से निकले छर्रे किसी नील गाय को न लगकर किसी बच्चे या औरत को ही लग जाए। अगर गोली चलाने वाला हिंदू हुआ तो कुछ हद तक ठीक, अगर कोई कोई और बिरादर हुआ तो सांप्रदायिक दंगों की नौबत। बस खत्म कर रहा हूं, शायद 2-3 मिनट और। किसान रामलाल जो प्रधान जी के साथ साथ उन्हें रास्ता दिखाता चल रहा था कह रहा था, हालांकि वन विभाग वाले नील गाय को वन रोज कहते हैं और इसे गायों की जाति में नहीं मानते, परंतु उन गऊ भक्तों को जो इस घोड़े हिरण को गाय कहने से कौन रोक सकता है। सवाल आस्था का जो है, कहेंगे राम 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 नील गाय भी तो गाय ही ठहरी, इसे कैसे मार सकते हैं। यही कुछ सोचकर सरकारी तंत्र भी हम गरीब किसानों की उजड़ती खेती के लिए जिम्मेदार इस महा आतंकवादी जंगली जानवर के सामने सब कुछ जानने के लिए के बाद भी खामोश रहता। संयोग से वह अंधेरिया रात थी और दूर दूर फैले खेतों चकरोडों और पर्याप्त उजाला किए बिना उनको तरफ नहीं देखा जा सकता था। ऐसे में उधर वे आदमी और इधर ये कुत्ते एक दूसरे से होड़ करते बोलते भौंकते जब सभी उधर पहुंचे जहां उल्का पात हुआ था तो अचानक सबके सब खामोश हो गए। कालू कुत्ता भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर उस ओर गया, जाकर देखा तो उस गन्ने के खेत में जिसका एक बड़ा हिस्सा नील गायें चट कर गई थी एक विचित्र दृश्य था। उस खाली जगह में एक विशाल काय गड्ढा हो गया था। लालटेन की पीली रोशनियों और टार्च की दूधिया प्रकाश में सबने देखा कि उसमें एक नील गाय मरी पड़ी थी। उसका शरीर शत विक्षत हो चुका था, उसमें से धुआं निकल रहा, शरीर भी काला पड़ रहा था। कोई भारी सी पत्थर नुमा चीज उसके पेट में धसी हुई। कुत्ते हथप्रभ से उस गड्ढे को घेरे हुए खामोश खड़े थे, अनिर्णय की स्थिति में थे, लाश के निकट जाए कि पीछे हटे। यही हाल उस असमय में गांव वालों का भी था। अब अंतिम 3-4 पंक्तियां, आकाश में तारे छिटके हुए थे किंतु चांद नदारद था। जिसने स्वर्ग से आई उस रोशनी को अपनी आंखों से नहीं देखा था वह इस रहस्यमय घटना को ठीक से जान भी कहां पाते। उल्का पात हुआ था जिससे एक नील गाय मर गई थी, उधर रामलाल नील गायों द्वारा अपनी 3/4 चट की जा चुकी फसल को देखकर सिर पकड़कर भूमि पर बैठ गया था। उल्का पात से बड़ा वज्रपात तो उस पर हुआ था जिसे केवल वही जानता था। बहरहाल अगली सुबह तो वहां तमाशा लगना ही था, क्योंकि ऐसे उजालों और अंधेरों से गुजरना, हरदम गुजरना ग्राम वासियों की नियति जो है। कहानी समाप्त हुई, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत भाषा, शिल्प, कथ्य, कथानक, हर दृष्टि से एक सदी हुई कहानी है। बहुत अच्छी कहानी, मार्मिक कहानी सर। सविता मिश्रा जी कह रही थी कि प्रशासनिक अधिकारी समय के बड़े पक्के होते हैं, इसीलिए कहानी खत्म करने के लिए सर की स्पीड देखकर ऐसा लग रहा है कुछ समाप्त करने के लिए पारंगत होते हैं कहानी पढ़ने की स्पीड से, ऐसा आभास हो रहा है। हाँ सविता जी से मुझे ये कहना है कि हम लोगों की भी कभी कभी स्थिति होती है, रचनाकारों की, लेखकों की, परीक्षा देते हैं जब हम आप शुरू के तो जो दो सवाल बड़े अच्छे विस्तार से धीरे धीरे लिखते हैं
बड़ी अच्छी हस्तलिखा, और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है स्पीड बढ़ाते हैं, और फिर चंगेटते हुए कोशिश करते हैं कि पांचों सवाल हल हो जाए, लेकिन होते 4.5 या 4.75 सवाल ही है। पर ये पूरी हो गई, इसके लिए मैं सर आखिरी उत्तर में नंबर ज्यादा आ गए हैं। नहीं, आशा पांडे ओझा जी का आभार है, आपकी वजह से मैं पूरी पढ़ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। हीरो वाधवानी जी भी जुड़े हैं, वीना सिंह जी भी जुड़े हैं, सुधा जी जुड़ी हुई हैं हमसे, और पीयूष जी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हीरो वाधवानी जी भी। तो सभी का आभार जिन्होंने भी सुनने के लिए समय निकाला और हमसे जुड़े, उनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह जुड़ते रहें और हम लोगों के साथ बने रहें, अपनापन देते रहें, और सर आप जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कई बातें अधूरी रह गई है, जो मौका मिला तो अवश्य हम अगले किसी कड़ी में आपसे बातचीत करेंगे। सोमेश मीणा जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि।